क्लास टेंथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। उस दिन हमने पढ़ा दिया था, कहाँ तक, कॉम्बिनेशन। आज मुझे पढ़ाना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ाना मुझे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमें पढ़ानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा भी है। तो सबसे पहली चीज़, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इंटू टू आर मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। तो अब जो ये रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन, वो जस्ट रिवर्स होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक पॉइंट बना के मैं लिख सकता हूँ, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक। ये भी बात समझ आ गई। एक और बात बता दूँ, मोस्टली ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। जिसमें हीट क्या देना पड़ता है जिस रिएक्शन को, इसमें हमेशा हीट हमें सब्सटेंस को तोड़ने के लिए देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर थ्री टाइप्स। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं, थ्री टाइप्स की, ठीक है। इन्हें तीन तरीके से हम, सबसे पहला जो होता है, ए मैं कहूँगा, वो होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी होती है हमारे पास, दूसरी हमें थर्मल और एक लाइट हो सकती है, तो फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी हमारी हो सकती है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कौन सा पढ़ाऊंगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले ए पार्ट आप लोग डाल दीजिएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाई हीटिंग इज़ नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स भी दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला मैं ले लेता हूँ लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसे मैं क्या कर दे रहा हूँ, हीट कर दे रहा हूँ लेड नाइट्रेट, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, हीट कर, तो मेरे पास क्या होगा, लेड नाइट्रेट को अगर मैंने हीट कर दिया तो लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन। तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं लेड, ये नाइट्राइट, ठीक है, इसे लेड नाइट्राइट कहते हैं।
और नाइट्राइड, और ये लेड ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड होता है। ठीक, अब जो हमारे पास ये हमारे पास गैस निकलती है, पहले इसका नाम बता चुका हूँ, ये किस कलर की होती है, ब्राउन। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लेड नाइट्रेट, इसी ब्राउन कलर से, ब्राउन कलर का फ्यूम, ब्राउन कलर की हमें फ्यूम क्या होती है, ऑप्टेन होती है जब ये रिएक्शन होता है। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, हीट करने की वजह से ये किस में चला गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करने पे लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है। इसी तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक होता है Fe(SO4)7H2O, इसे बोलते हैं हम लोग आयरन सल्फेट इंटू सेमी हाइड्रेट है। इसको हीट कर देते हैं तो सबसे पहले बनता है आयरन सल्फेट इंटू 7H2, बाहर निकल जाता है। ठीक, इसे बोलते हैं आयरन, ठीक, ये आयरन सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर होने की वजह से इसे ग्रीन विट्रोल भी बोला जाता है। ये ग्रीन विट्रोल को हीट करेंगे तो ये इस तरीके से वाइट कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हमें ग्रीन कलर पे, क्योंकि इसी को तो हीट कर रहा हूँ, तो FeSO फिर अगर हीट तो कर ही रहा हूँ, हीट होता ही रहेगा, तो ये बनता है Fe2O3 इंटू सल्फर डाइऑक्साइड इंटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। होता क्या है, हीट करने से ये ग्रीन कलर चेंज होता है रेडिश ब्राउन कलर में। ये किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर की हमें गैस ऑब्टेन होती है। बहुत लिखना चाहो तो रेडिश भी बहुत लोग लिख देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का हमें कौन, आयरन ऑक्साइड। ये क्या है, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कहा जा सकता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर बर्निंग प्यूगेंट, मतलब ये सल्फर के बर्न होने की स्मेल आती है। अब ब्राउन कलर की गैस ऑप्टेन होती है, वो कौन है, फेरिक ऑक्साइड, ब्राउन कलर की। और ये है क्या, हमने ग्रीन विट्रोल को हीट किया, ग्रीन कलर को हीट किया, अब ब्राउन कलर ऑप्टेन हुआ। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, कि हम जब ग्रीन विट्रोल को हीट करते हैं तो पहले ये इसमें टूटता है, फिर यही चीज़ हीट तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हीट बंद कर दिए, तो इसलिए सेम रिएक्शन है। तो यही रिएक्शन फिर से क्या होती है, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाती है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ब्राउन गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि ग्रीन विट्रोल टूट चुका है। अच्छा, एक स्मेल भी आती है, कौन सी, बर्निंग ऑफ सल्फर की, बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल भी आती है। तो ये लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन इतना तो जरूरी है। थैंक यू। अब अदर एग्जांपल की ओर चलते हैं डिकम्पोजिशन के। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट, ये एक ओर होता है जिंक का। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को अगर हमने हीट कर दिया तो बनता क्या है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आई बात, जिंक कार्बोनेट को हीट कर दूंगा तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाए। टाइम बचाने के लिए, वीडियो को छोटा करने के लिए, मैं पहले से ही रिएक्शन लिख दिया हूँ। मर्करिक ऑक्साइड जो होती है उसको मैं हीट कर देता हूँ। ठीक है, हीट किया मैंने, ये भी एक ओर है मर्करी का। ठीक है, मर्करी का ओर है, ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो इसे जब हीट करते हैं हम लोग तो मर्करी प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पे भी ऑप्टेन हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं लाइम स्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं हम लोग, लाइम स्टोन, याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं। इसको अगर हीट आप कर देंगे, हीट, तो ये बनता है कैल्शियम, अच्छा, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक, बात समझ आ गए। आते हैं पोटेशियम क्लोरेट, क्या पढ़ते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम KClO3, के ये Cl, क्लोरीन O3। ठीक, इसको अगर हम हीट करते हैं तो बनता है KCl और प्लस का 3O2, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक, एक लास्ट रिएक्शन, इसे मेथेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेथेन, मेथेन गैस होती है। मेथेन गैस जो क्या करते हैं, मेथेन गैस को एक क्या, यही एक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑप्टेन हो जाता है। क्या ऑप्टेन हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन। चलो, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, हमने बताया था ना इलेक्ट्रिसिटी, फोटोकेमिकल, ये सब। इसमें सिर्फ आपको तीन रिएक्शन याद रखनी है, ज़्यादा नहीं इसमें याद रखनी है, ज़्यादा बस थर्मल में याद रखनी है, और थर्मल इम्पॉर्टेंट भी है। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका लिखोगे क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक ठीक है, याद हो जाएगा। जब वाटर लिक्विड को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अच्छा इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें, सब में हम इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का पास करना इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर लिक्विड में पास करते हैं तो होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमारे पास फॉर्म हो जाती है। ठीक, उसके बाद ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये भी ओर है, ठीक है, एल्युमिनियम का। और उसके एक्सट्रेशन में ये काम हम करते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, इसको हीट करके अलग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत तगड़ा होता है, बहुत हाई वोल्टेज की करंट इसे पास कर देते हैं, तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, और सबसे प्यूरिफिकेशन आप सोडियम क्लोराइड अच्छा है, ये कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं वही कॉमन सॉल्ट है। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग ऑब्टेन हो जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, इसे भी कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड विद सनलाइट, जब सनलाइट में किसी कंपाउंड को हम डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अच्छा फोटोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दो याद करना है, पता है कौन, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में हीट करते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, सिल्वर सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस गैस होती है, तो ये गैस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड में सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगी। अच्छा, इस रिएक्शन को एक चीज़ और कहते यूज, इस रिएक्शन का यूज होता है, दिस रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट पहले था ना, हम लोग फोटो को ब्लैक एंड वाइट बनाते थे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, वहाँ पर हम लोग इसी को धूप में रखते थे। ठीक है, किसी को थोड़ा बहुत याद होगा तो ऐसा करते थे, धूप में रखते थे। धूप में क्यों रखते थे, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग हुई रहती थी, वो क्या होता था, ब्रोमीन ऊपर उड़ जाता था, सिल्वर हमारा बच जाता था। ठीक, इस मेथड का, इस रिएक्शन का यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही है। ठीक है, अब बस इतना तैयार करें।